हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आज 14 जून है और आज हम इस वीडियो में बात करेंगे ऐसे 25 पौधों के बारे में जिनकी खातिरदारी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। तो स्टार्ट करें। ये शेफलेरा है। शेफलेरा मेरे पास दो वैरायटी में है। ये वेरीगेटेड है, ये सिंपल है। ये जो जितने भी पौधे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारे के सारे ऐसे पौधे हैं जिन्हें साल में 2-3 बार खाद दे के आप आराम से मेंटेन कर सकते हैं। ऐसे स्टारलाइट फाइकस है, स्टारलाइट फाइकस भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसे ही वैरायटी होती है ड्रेसिना की। ड्रेसिना के सारे जितने भी पौधे हैं, जितने भी प्लांट्स हैं, सब ऐसे ही हैं। साल में 1 या 2 बार खाद देने के बाद आराम से मेंटेन होते रहेंगे। ड्रेसिना की वैरायटी बहुत अच्छी लग, बड़ी खूबसूरत। ड्रेसिना के सारे प्लांट्स सर्दियों में बड़े अच्छे लगते हैं, बड़े खूबसूरत लगते हैं। इन दिनों 42-43 का टेम्परेचर है, तो ड्रेसिना ने के जो कलर हैं थोड़े से फेड हो गए हैं। इसके बाद नंबर आता है सॉन्ग ऑफ इंडिया का। इसके बाद कोलियस है। कोलियस को तो आप जानते ही हैं, मैंने अपनी पिछली वीडियो में जैसे बताया था, बहुत ईजी टू मेनटेन है। आराम से आप इसे मेंटेन कर सकते हैं, कोई ज़्यादा खातिरदारी इस पौधे की नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा कलंचो है। कलंचो ये देसी वैरायटी का है। इसके अलावा ये हाइब्रिड में है, ये भी बहुत आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा लेंटाना है। लेंटाना की जो फ्लावरिंग होती है बसंत ऋतु में होती है, फरवरी मार्च अप्रैल तक बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है लेंटाना। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट जो प्लांट है वो है वांडरिंग जू का। वांडरिंग जू भी बहुत खूबसूरत प्लांट है, इंडोर प्लांट है, आप इसे बहुत आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद नंबर आता है पर्पल हार्ट का। पर्पल हार्ट भी बड़ा खूबसूरत पौधा है, बहुत आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा जड़ है। जड़ को भी बहुत आसानी से हम मेंटेन कर सकते हैं अगर सही तरीके से इसे सही जगह रखा हुआ है। इसके बाद बोट लिली है। बोट लिली बड़ी खूबसूरत लगती है जब इसके फ्लावर्स निकलते हैं। इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं बाद में बनाऊंगी। इसके अलावा स्पाइडर प्लांट है। स्पाइडर प्लांट भी बड़ा खूबसूरत लगता है। इसके अलावा यूफोरिया मिली है। यूफोरिया मिली देखिए इतनी गर्मी में भी कितनी शानदार फ्लावरिंग कर रही है। मैंने इसे बॉटल में लगा रखा है। अभी इसे रिपोर्ट करूँगी जब थोड़ा सा मौसम मॉइस्ट वाला आ जाएगा जुलाई में, क्योंकि इन दिनों रिपोर्टिंग ठीक नहीं है, पौधे ख़राब हो जाएंगे। इसके अलावा अमर लिलीज हैं। ये वाइट अमर लिली है मेरे पास। इसके अलावा रेड कलर की अमर लिली भी मेरे पास है, ये काफ़ी स्पेस में है। इसके अलावा रजनीगंधा है। रजनीगंधा पे भी देखिए इन दिनों फ्लावरिंग होने को तैयार है। ये अभी लगाया है मैंने रजनीगंधा और लगातार ग्रोथ कर रहा है। ये गर्मियों के सीजन का प्लांट है और गर्मियों में इसमें फ्लावरिंग होती है। ऐसे ही पोर्टुला का है। पोर्टुला का को भी बहुत आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। लगातार 2-4 बार खाद देने के बाद आप इसे आसानी से मेंटेन कर सकते हैं। इसके बाद आती है वाइट कलर का जो रबर प्लांट है फाइकस, वो भी साल में 1 या 2 बार खाद देने के बाद आसानी से चलता रहेगा। इसके अलावा स्नेक प्लांट की जितनी वैरायटी है, स्नेक प्लांट की भी आसानी से मेंटेन की जा सकती है। इसके अलावा पाम की कैटेगरी में जितने भी पौधे आते हैं, जैसे चाहे वो अम्ब्रेला पाम हो, चाहे वो लेडी पाम हो, चाहे वो अरेका पाम हो, चाहे वो पॉनीटेल पाम हो, सारे के सारे पाम लगातार मेंटेन किए जा सकते हैं। बहुत इजी टू मेंटेन है और बहुत आसानी से मेंटेन किए जा सकते हैं साल में 1 या 2 बार खाद देने के बाद। इन पौधों की ज़्यादा खातिरदारी नहीं करनी पड़ती, तो बहुत आसानी से ये चल जाते हैं आपके घर में। इसके अलावा अरेबियन जैस्मिन है, इसे भी बहुत आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। ये फ्लावरिंग पौधा है, गर्मियों में फूल देता है। ये वाइट कलर के खुशबूदार और बहुत गर्मी इस टाइम हो रखी है। सुबह का 8 बजे का टाइम है और अभी भी देखिए कितनी तेज़ धूप हो रखी है। ऐसे ही चांदनी है। चांदनी को भी बहुत आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। बस एक ही दिक्कत आती है इसमें, साल में एक बार इसे रिपोर्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि इसकी जो रूट्स हैं वो बहुत जल्दी बड़ी हो जाती हैं और घेर लेती हैं गमले को। इसके बाद नंबर आता है टर्टल वाइन का। टर्टल वाइन को भी बहुत आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। तो देखिए इसके बाद सारे के सारे जो पोथोज हैं, चाहे वो नियोन पोथोज हो, जड़ पोथोज हो, या गोल्डन पोथोज हो, या मॉन्स्टेरा पोथोज हो, इन्हें सबको बहुत आसानी से मेंटेन किया जा सकता है। इसके अलावा डेफनबेकिया है,
इसके बाद नंबर आता है एरो रूट का, और इसके बाद नंबर आता है जीजी प्लांट का। तो ये कुछ ऐसे 25 पौधे मैंने आपको बताए हैं जिन्हें बहुत आसानी से मेंटेन करके आप अपने गार्डन एरिया में अच्छी ग्रीनरी फैला सकते हैं। ये जो जीजी प्लांट है ये मैंने परसों ही लगाया है, और इसलिए इसकी थोड़ी हालत ऐसी हो रखी है, और गर्मी दुनिया भर की ऑलरेडी हो रखी है। और जीजी प्लांट जो है इंडोर प्लांट है, तो इसलिए इसकी जो ऊपर की दो पत्तियां हैं बस वही ग्रीन हैं। धीरे धीरे सर्वाइव कर लेगा ये। तो बस मुझे ये 25 पौधे आपके साथ शेयर करने थे, जो लगातार अगर आप ज़्यादा टाइम नहीं देना चाहते अपने गार्डन एरिया में, तो बस ये पौधे आप लगा सकते हैं अपनी चॉइस के। तो कैसी लगी मेरी वीडियो मुझे कमेंट करके बताइए। बाकी मेरे चैनल पर बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय।